दोस्तों ब्लैक एडम का पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर कहीं मिड क्रेडिट सीन कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड था और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन पहले ही लीक हो चुका था। तो कुछ फैंस को ये पता था कि इसमें हमें सुपरमैन नजर आने वाला है और कुछ को नहीं। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मूवीज और सीरीज की रिव्यू, क्विक और लेटेस्ट अपडेट्स और भी इंटरेस्टिंग स्टफ्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक ड्रोन ब्लैक एडम के पास आता है, जिसमें अमेंडा वॉलर। अब जिनको नहीं पता कि अमेंडा वॉलर कौन है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये डीसी की निक फ्यूरी है। वेल, निक फ्यूरी तो अच्छा आदमी है, लेकिन अमेंडा वॉलर नहीं। अमेंडा होलोग्राम प्रोजेक्शन के जरिए ब्लैक एडम से कहती है कि तुम मेरी बनाई हुई जेल में नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन अब खानदक की तुम्हारी जेल है और खानदक से तुम एक भी कदम बाहर नहीं निकालोगे, और अगर ऐसा करते हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके जवाब में ब्लैक एडम कहता है कि इस प्लेनेट में कोई ऐसा नहीं है जो उसे रोक पाए। अमेंडा कहती है कि वो कुछ ऐसे पावरफुल लोगों को जानती है जो इस प्लेनेट के नहीं है और उसे रोक सकते हैं। ब्लैक एडम कहता है कि उन सबको एक साथ भेज दो, सेंड देम ऑल। उसके बाद वो उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर भाई साहब एंट्री होती है सुपरमैन की, जो अपने आइकॉनिक लुक में। यहाँ सुपरमैन की एंट्री के साथ जॉन विलियम्स का सुपरमैन थीम सुनने को मिलता है। सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि हमें बात करना चाहिए, वी नीड टू टॉक, और यहाँ खत्म होता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद काफी ज्यादा र्यूमर्स और फैन थ्योरीज भी निकल के आ रही है, और सबके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि सुपरमैन अमेंडा वॉलर के लिए कैसे काम कर रहा है। दोस्तों देखो, सवाल ये ही नहीं और भी बहुत सारे हैं, जिनके जवाब फिलहाल तो थ्योरीज के जरिए ही मिल सकते हैं, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन ने हमें एक हिंट तो दे ही दिया है ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन का। इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स की फाइट हमें मैन ऑफ स्टील 2, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, ब्लैक एडम 2 या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। डीसी वाले मार्वल की तरह सब कुछ पहले से प्लान करके नहीं रखते, और अगर प्लान करके रखा भी होगा तो वो मैन ऑफ स्टील 2 में तो इनकी फाइट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फैंस भी इन दोनों ही कैरेक्टर्स पे सेपरेट डेडिकेटेड मूवी चाहते हैं, और ड्वेन जॉनसन खुद भी ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स का फेस ऑफ हो। बस अब होप करते हैं कि जल्दी हमें ब्लैक एडम और सुपरमैन एक दूसरे से फाइट करते हुए बिग स्क्रीन पे हमें देखने को मिले। तो दोनों कैरेक्टर्स के फेस ऑफ को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। तो वेल, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।